सो हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल MDM Tech विजय में फिर से मनोज पटेल का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो का यहाँ पे मैं एक इंटरेस्टेड वीडियो लेके आया हूँ, जैसे आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे मॉस्किटो बेल जो आपके घर पे यूज कर रहे हैं इसमें क्या क्या फॉल्ट आते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम आपके पास शेयर करना चाहता हूँ, आप भी आपको यहाँ से रिपेयर कर सको। आपको थोड़ा ज्यादा नॉलेज मैं शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और पास वाले बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे टेक्नोलॉजी और रिपेयरिंग के घर की वीडियो को मिलते रहे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो यहां से पहले मैं निकला हुआ, तो आप में जब भी यहां पे रिपेयर कर रहा था सोचा आपको एक वीडियो बना के आपको बता दूं। तो यहां पे बैटरी हमारी लगी हुई है, यहां पे 230 एसी कनेक्शन है, यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी ये स्विच है, ये ऑन ऑफ स्विच है। जैसे ये पुश बटन स्विच है, पुश बटन से आप प्रेस करते हो तो यहाँ पे आपको स्पार्क होता है, जो ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज डीसी वोल्टेज स्पाइक आपको यहाँ पे मिल रही है। जैसे मैं यहाँ पे इसको प्रेस करता हूँ, जैसे मैंने इसको ऑन कर दिया, जैसे मैंने इसको ऑन कर दिया तो यहाँ पे जैसे मैं प्रेस करता हूँ यहाँ पे कुछ भी हो नहीं रहा है। तो मैंने सोचा यहाँ पे बैटरी का वोल्टेज देख लेते हैं। तो बैटरी का जब मैं वोल्टेज देखने जाता हूँ तो बैटरी का वोल्टेज भी सही है। दोस्तों आप देख सकते हो बैटरी का जब मैं वोल्टेज आपके पास शेयर करने वाला हूँ, बैटरी मैंने यहाँ पे 230 वोल्ट एसी में ले ली है। तो 230 वोल्ट एसी में जैसे यहाँ पे मैं बैटरी का वोल्टेज यहाँ पे टेस्ट कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे वोल्टेज बैटरी का, तो बैटरी का वोल्टेज भी आपको यहाँ पे शो कर रहा है 4.22 वोल्ट। बैटरी का वोल्टेज सही तरह से आपको यहाँ पे शो कर रहा है, तो यहाँ पे आउटपुट भी नहीं आ रहा है। तो पहले मैंने सोचा यहाँ पे ये स्विच जैसे ऑन ऑफ स्विच है और यहाँ पे पुश बटन स्विच है, दोनों को एक बार मैं टेस्ट करके देख लूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पहले दोनों स्विचों को हम टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बैटरी का कनेक्शन मैं निकाल लेता हूँ, क्योंकि आपको अच्छी तरह से यहाँ पे स्पार्क हो, कोई शॉर्टिंग हो तो आपको स्पार्क न लगे, क्योंकि यहाँ पे डेंजरस वोल्टेज आता है दोस्तों। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपको कि आपको यहाँ से ज़्यादा अच्छी तरह से सावचेतीपूर्वक आपको इसको रिपेयरिंग करना है, इसको यूज भी करना है। तो पहले बैटरी में निकाल देता हूँ क्योंकि ज़्यादा वोल्टेज ना है, इसलिए तो बैटरी का यहाँ पे ये प्लस टर्मिनल और यहाँ पे माइनस टर्मिनल, यहाँ पे दोनों को आपको अच्छी तरह से निकाल देना है। जैसे यहाँ पे दो टर्मिनल मैंने निकाल दिया, आपको क्या टेस्ट करना है, यहाँ पे दोनों स्विच टेस्ट करनी है। तो दोनों स्विच को हम टेस्ट करेंगे, यहाँ पे बैटरी हम देख लेते हैं इसका वोल्टेज फिर से भी आपको मल्टीमीटर में शो कर रहा है, देख लेते हैं 4.22 वोल्ट, यहाँ पे 4 वोल्ट करीब आपको यहाँ पे वोल्टेज शो कर रहा है। तो पहले हम देखेंगे यहाँ पे पुश बटन स्विच है और यहाँ पे 3 टर्मिनल है, मैं इसको थोड़ा नीचे लगाता हूँ आपको अच्छी तरह से दिखना मिले। तो यहाँ पे मैं अच्छी तरह से दोनों को सेट कर देता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे मैं कंटिन्यूटी रेंज में रख देता हूँ स्विच को चेक करने के लिए, यहाँ पे कंटिन्यूटी रेंज में आपको रख देना है। आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे मल्टीमीटर दो प्रॉब यहाँ पे शॉर्ट होता है, क्या कंटिन्यूटी आपको शो कर रही है। तो यहाँ पे 3 टर्मिनल है, ये हमारी ऑन ऑफ स्विच। जैसे यहाँ पे बैटरी पे जब आप यहाँ पे घर पे चार्जिंग पे रख ले तो या इसको आपको ऑफ कंडीशन में रखना है, जैसे आपको इसको यूज कर रहे हो जब भी मच्छर मारने के लिए इसको यहाँ पे इसको ऑन कंडीशन में आपको इसको रख देना है, और आपको यहाँ पे इसको ऑन कंडीशन में रख के आप यूज कर सकते हो। दोस्तों पहले हम देखेंगे यहाँ पे ये 3 टर्मिनल वाली स्विच है, तो आपको यहाँ से इसको 3 टर्मिनल है, इसमें बीच वाला टर्मिनल कॉमन है, ये वाला टर्मिनल और यहाँ पे ये वाला टर्मिनल। इसमें आपको देख सकते हो ये वाला टर्मिनल, दोस्तों आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे 3 टर्मिनल है, ये कॉमन टर्मिनल है, ये वाला ये 1, 2 या 3, यहाँ पे ये टर्मिनल है और ये हमारा बॉडी का कनेक्टर है, इसमें 3 टर्मिनल है, ये वाला टर्मिनल जैसे यहाँ पे लगा हुआ है प्लस टर्मिनल, जो बैटरी में ये केबल जाता है, वायर जाता है। इसके बाद यहाँ पे ये टर्मिनल है और ये टर्मिनल है। जैसे मैं यहाँ पे इसको इस तरह ऑफ कंडीशन में जैसे मैं रख देता हूँ तो यहाँ पे बीप सुनाई दे रही है, तो आपको अच्छी तरह से कंटिन्यूटी आपको यहाँ पे शो कर रही है। आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे मैं इस तरह लगाता हूँ अभी कंटिन्यू शो नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्विच मैंने राइट साइड मैंने इसको सिलेक्ट की है, तो अच्छी तरह से कंटिन्यू बता रहे वो भी सही है। इसको मैं इस साइड सिलेक्ट कर देता हूँ तो क्या होगा, आप देख सकते हो यहाँ पे सिलेक्ट अच्छी तरह से कंटिन्यूटी शो कर रहा है, क्योंकि इसको और इसको यहाँ पे ये दो टर्मिनल तो पहले से ही शॉर्टिंग है, ट्रैक यहाँ पे जो आ रही है ट्रैक थ्रू यहाँ पे शॉर्टिंग है, तो ये तो शॉर्टिंग बताएगी। लेकिन यहाँ पे ऑन जब किया हूँ मैंने, जैसे मैंने इसको ऑन कर दिया तो ये टर्मिनल और ये टर्मिनल दोनों अच्छी तरह से शॉर्टिंग मिलना है। जैसे आपको देख सकते हो इसको मैं इस टर्मिनल को चेंज कर देता हूँ,
यहाँ पे आपको कंटिन्यू शो नहीं कर रहा, जैसे इसको मैंने राइट लेफ्ट साइड कर दिया तो कंटिन्यू शो कर रही है। तो अच्छी तरह से आपको ये कंटिन्यू शो कर रही है, तो ये स्विच हमारी सही तरह से आप भी टेस्ट कर सकते हो। इसके बाद देख सकते हो यहाँ पे ये हमारे पुश बटन स्विच है, आप देख सकते हो, मैं इसको निकाल के आपको बताता हूँ अच्छी तरह से। ऊपर वाला ढक्कन ये हमारी पुश बटन स्विच है, तो पुश बटन स्विच को यहाँ पे दो टर्मिनल लगा हुआ है, यहाँ पे दो टर्मिनल लगा है, इसको अच्छी तरह से मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगा। इसके बाद देख लीजिए, तो यहाँ पे दो टर्मिनल है, अभी तो ये कंटिन्यू शो नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पे पुश बटन स्विच को कैसा है, जैसे आप प्रेस करोगे, जब प्रेस करोगे था तो आगे वाला जो दो कनेक्शन है कॉन्टेक्ट, वो कॉन्टेक्ट में आएगा, तो यहाँ पे कंटिन्यू शो। जब आप प्रेस नहीं करोगे, जब ऐसे प्रेस नहीं किया तो क्या आउटपुट आपको जीरो मिलेगा, जैसे दोनों कॉन्टेक्ट कंडीशन में नहीं होगा, जैसे ओपन या क्लोज आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने नहीं, इसको मैं यहाँ पे, जैसे इसको मैं यहाँ पे टचिंग करता हूँ, जब मैं अच्छी तरह से इसको मैं लगाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको दिखाने के लिए दोनों स्विच को, जैसे मैंने ये टर्मिनल यहाँ पे लगा दिया है, इसको यहाँ पे प्रेस कर रहा होते, लेकिन प्रेस अच्छी तरह से हो रही है, लेकिन यहाँ कंटिन्यूटी, यहाँ पे मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी शो नहीं हो रही है। तो आप देख सकते हो ये दोनों टर्मिनल, आप ध्यान से देखिए, मैं एक ही हाथ से दोनों को, यहाँ पे मल्टीमीटर प्रॉब मैंने लगा हुआ, आप देख सकते हो ध्यान से, मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ। ये दो टर्मिनल है जो यहाँ पे पुश बटन स्विच का, दोनों टर्मिनल यहाँ पे और यहाँ पे मैंने लगा दिया है। जैसे मैं यहाँ पे मल्टीमीटर से प्रेस करता हूँ, मल्टीमीटर आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा, ये मल्टीमीटर यहाँ पे कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा है, बीप सुनाई नहीं दे रही है। तो दोस्तों देख सकते हो, जैसे यहाँ पे कंटिन्यूटी यहाँ पे सुनाई नहीं दे रही है, तो इसका समझ लो ये पुश बटन हमारी खराब होगा, जैसे मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे कंटिन्यूटी शो नहीं हो रही है। तो आपको यहाँ समझ ले सकते हो, यहाँ पे ये पूरा पुश बटन स्विच जो हमारी है, तो पुश बटन स्विच हमारी खराब हो गई है। तो इसको एक बार मल्टीमीटर से टेस्ट कर दिया, भी आपको कंटिन्यू शो नहीं कर रही है, इसको हम चेंज करके दूसरी पुश बटन स्विच देख लेंगे और यहाँ पे लगा के प्रैक्टिकली आपको लाइव प्रूफ बताऊंगा मैं। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे खराब वाली स्विच है, मैंने निकाल दी है यहाँ से, और दूसरी स्विच मैंने यहाँ पे डाल रहा हूँ, रेड वाली स्विच। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने यहाँ पे दोनों स्विच निकाल के यहाँ पे दूसरा स्विच मैंने यहाँ पे डाल रहा हूँ। यहाँ पे अच्छी तरह से मैं सोल्डरिंग कर देता हूँ। यहाँ पे दूसरे सोल्डरिंग में अच्छी तरह से कर देता हूँ। स्विच मैंने यहाँ पे डाल दी है, दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाली स्विच मैंने चेंज कर दी। यहाँ पे दो टर्मिनल था वो खराब हो गया था, यहाँ पे स्विच इसको मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पे पुश बटन स्विच जो खराब हो गई थी यहाँ पे मैंने इसको चेंज कर दी है। अब मैं इसको टेस्ट करके आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप देख सकते हो आपको यहाँ पे इसको मैं प्रेस करता हूँ, इसको मैंने ऑन कर दिया है, जैसे ये हमारी ऑफ कंडीशन में है और इसको यहाँ पे ऑन कंडीशन में, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं इसको प्रेस करता हूँ, तो इसको मैं यहाँ पे पुश बटन को यहाँ पे देख सकते हो, जैसे यहाँ पे आप स्विच की आप प्रेस करते हो तो यहाँ पे इंडिकेटर भी यहाँ पे ऑन हो रहा है, देख सकते हो यहाँ पे एलईडी भी ब्लिंक हो रही है, यहाँ पे एलईडी भी ब्लिंक हो रही है, आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पे एलईडी हमारी ब्लिंक हो रही है, तो यहाँ पे इसको मैं प्रेस करता हूँ, यहाँ पे स्पार्क होता है नहीं होता वो भी देख लेंगे हम। तो देख सकते हो यहाँ पे अच्छी तरह से आपको स्पार्क भी यहाँ पे सुनाई दे पड़ रहा होगा साउंड, और यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा दोस्तों। तो यहाँ पे जो स्विच का जो प्रॉब्लम था, तो स्विच का जो प्रॉब्लम था इसके बारे में इस वीडियो में मैंने आपको बताया, वो यहाँ पे जो पुश बटन स्विच थी वो खराब हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे पुश बटन जो हमारी स्विच होती है वो ज्यादा से ज्यादा बार आप यूज करते हो, ऑन ऑफ करते हो, इसकी जगह यहाँ पे ये खराब हो जाती है दोस्तों। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैंने बता दिया, जैसे यहाँ पे पुश बटन स्विच का जो प्रॉब्लम था, तो इस वीडियो में अच्छी तरह से रिपेयर करके आपको बता दिए है, आप घर पे भी आप रिपेयर कर सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो डेंजर वोल्टेज आता है, आप भी कभी भी आप रिपेयर कर रहे हो तो यहाँ पे बैटरी का जो टर्मिनल हो इसको आपको निकाल देना है, निकाल के आपको अच्छी तरह से को रिपेयरिंग करना है, स्विच को चेंज करना है। इसी तरह नए नए फोल्ड को भी आता है, इसका भी मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, इसकी नोटिफिकेशन आपको पास मिल जाए तो बाजू वाले बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।